कर दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि मलिष्का एक घटना घटने जा रही है जो लक्ष्मी और ऋषि को अलग करने के लिए वो एक नई साजिश करने जा रही है। लेकिन दोस्तों, उसका भी पर्दाफाश होता हुआ नजर आने वाला है। सबसे पहले तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के बीच में हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, क्योंकि भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहाँ मलिष्का इस समय आर पार का गेम खेलने वाली है। जी हाँ, आर पार का गेम इस तरीका से कि या तो किसी भी तरीका से वो लक्ष्मी को मारने की, घर से निकालने की साजिश रची लेगी, या फिर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर ही हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस समय मलिष्का के सर पर खून सवार है और वो लक्ष्मी को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकती है, क्योंकि लक्ष्मी को अलग करने के लिए वो पहले भी लाख जतन कर चुकी है। लेकिन इस समय उसके माइंड में बहुत कुछ फीड है, क्योंकि वो लगातार लक्ष्मी के खिलाफ ऐसे ऐसी साजिश रच रही है। हालाँकि पूरी तरीका से लक्ष्मी के साथ में ऋषि है, ऋषि की दादी हैं, ऋषि के फादर हैं, आयुष हैं, काफ़ी लोग लक्ष्मी के फेवर में भी हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि लक्ष्मी को इस घर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऋषि की मॉम नीलम जो कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हैं लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी के लिए बोलती हैं कि इस लड़की को हम जल्द ही इस घर से ऐसा निकाल फेंकेंगे कि जिंदगी में ये इस घर को पलट के भी नहीं देखेगी। क्योंकि वाकई में दोस्तों, मलिष्का और मलिष्का की मॉम किरण जो बोलती हैं नीलम से, नीलम वो ही करती है। लेकिन इस समय ऋषि ने बोल दिया है कि मुझे और लक्ष्मी को अलग करने का अब आप सोचिए भी मत, क्योंकि जब डिवोर्स की बात थी, जब वो कुछ और सिचुएशन थी, लेकिन आज के समय में इन दोनों का डिवोर्स नहीं हो पाएगा। जिसमें ऋषि ने बोल दिया है कि अब और मेरे लक्ष्मी के बीच में जो फासले थे, जो गलत फहमियाँ थी, वो पूरी तरीका से ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब डिवोर्स की तो कोई बातचीत ही नहीं है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि ऋषि पूरी तरीका से सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नागर, कृपया करके मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपना नाम कॉमेंट करके ज़रूर बताइए आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।